हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानेता। हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या नया आज आपको मिलने वाला है, क्या हानि आज आपको होने वाली हो, क्या क्या सावधानियां आज आपको बरतनी चाहिए। तो किस्मत कनेक्शन में आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या खास आज होने वाला है, ये बताने के लिए हमारे साथ मशहूर टैरो कार्ड रीडर रंजना राणा लाइव जुड़ चुकी हैं। रंजना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर, और साथ ही आज के सुविचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। आज का सुविचार हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। आज का सुविचार है कि रिश्ते चाहे दोस्ती के हों या प्यार के, एक दूसरे का सम्मान करना और एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे करने से आपके रिश्ते और भी ज्यादा सुदृढ़ हो जाएंगे और आपके रिश्तों की मधुरता सदैव बनी रहेगी। इसीलिए हमेशा इन दो बातों को सदैव आप याद रखें। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे मूलांक के हिसाब से, यानी कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। बात करते हैं सबसे पहले नंबर एक की। रंजना जी, नंबर एक के जातकों के लिए कार्ड्स आज क्या बता रहे हैं, आज का दिन इनके लिए कैसा रहने वाला है? नंबर एक के जातकों के लिए हम देख रहे हैं दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कोई ना कोई नया काम शुरू करने वाले हैं। मगर हम इनको एक थोड़ा सा अलर्ट करना चाहते हैं कि जरूर आप कोई भी जो लीगल मैटर्स हैं, कानूनी बातें जो भी हैं, आप ठीक से समझ लें और काम शुरू करने से पहले इन सब चीजों को आप ध्यान से देख लें। कहीं भी साइन करने से पहले बहुत जरूरी है कि आप हर चीज को अच्छे से पढ़ लें। काम जो भी शुरू करेंगे वो बहुत अच्छा है, मगर कहीं आपको आगे दिक्कतें ना आए उसके लिए आपको ये छोटी सी हिदायत हम आपको देना चाहते हैं। इसके साथ साथ अगर आज आप खीर का दान करेंगे उससे बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा, और आप नया काम शुरू करने वाले हैं उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये छोटा सा दान करेंगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा आगे चलकर सफलता मिलेगी। आपका रंग है सफेद और आपका जो अंक है वो है नंबर दो। तो नंबर एक वालों के लिए दिन बहुत खास रहने वाला है। अब आगे बढ़ लेते हैं नंबर दो की। रंजना जी, नंबर दो के जातकों के लिए कार्ड्स क्या बता रहे हैं, आज का दिन इनके लिए क्या लेकर आया है? नंबर दो वालों के लिए हम देखते हैं कि थोड़ा सा इनको मानसिक तनाव है, थोड़ा सा इनको जुकाम, इनको थोड़ी सी छाती में भी अकड़न है, थोड़ी सी इनकी हेल्थ हम देखते हैं कि स्वास्थ्य में इनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इनको हम यही बताना चाहते हैं कि बहुत जरूरी है कि आप स्टीम करें, गागल करें, काढ़ा पिएं, और बहुत जरूरी है कि राम रक्षा स्त्रोत का भी आप पाठ जरूर करना शुरू कर दें। घर में आपकी स्थिति बहुत ही ज्यादा अच्छी रहेगी, सबसे आपको सपोर्ट मिलने वाला है, इससे हर तरफ से आपको बहुत ज्यादा प्यार और इज्जत मिलने वाली है, मगर स्वास्थ्य को ध्यान रखना आपका बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। आपका रंग है ऑरेंज और आपका जो अंक है वह है नंबर एक। आज आप जरूर गुड़ और चने का दान हनुमान जी के मंदिर में आप जा सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो घर में ही अपने हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़े और गुड़ और चने का प्रसाद अवश्य लगाए। तो नंबर दो के जातकों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पर नजर आ रहा है। नंबर तीन की ओर बढ़ लेते हैं। रंजना जी, नंबर तीन के जातकों के लिए कार्ड्स का बता रहे हैं? नंबर तीन के जातकों के लिए हम देखते हैं थोड़ा सा इनके बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, मगर थोड़ा सा इनको ध्यान रखना पड़ेगा अपने क्रोध पर भी और अपनी वाणी पर भी, क्योंकि हो सकता है इनके जो पार्टनर्स हैं उनके साथ इनकी थोड़ी सी अनबन हो जाए, इसलिए जरूरी ये है कि थोड़ा सा ध्यान रखें और कोई भी विवादित स्थिति हो उससे ये दूर ही रहें तो अच्छा रहेगा। आपका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा चलेगा और घर में स्थिति भी आपके बहुत ही ज्यादा नियंत्रण में रहेगी, सब तरफ से आपको सपोर्ट है, मगर थोड़ा आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा क्रोध का और वाणी का। घर से निकलने से पहले थोड़ा गुड़ खा के निकलेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। आपका रंग है लाल और आपका जो अंक है वो है नंबर नौ।
तो नंबर तीन के जातकों को थोड़ी सी सावधानियां बरतनी होगी। इसी बीच रंजना जी हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं खुशी, और उनका प्रश्न है कि 6 फरवरी 1993 को उनका जन्म हुआ है, तो इनका जरा भविष्य बताएं किस तरह से भविष्य रहेगा, अगर विवाह की बात करें तो विवाह किस तरह से होगा, और जो जिंदगी है वो किस तरह से बीतने वाली है। शादी के बाद, शादी से पहले भी रंजना जी, इनका सवाल है कि स्ट्रगल बहुत ज्यादा चल रहा है। देखिए आजकल इनका समय थोड़ा सा इतना बेहतर नहीं चल रहा, थोड़ी सी इनको टेंशन जरूर आई हुई है, कोई भी काम इनके नहीं चल रहे जिस करके बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं। मगर हम ये देख रहे हैं कि इनकी शादी के प्रस्ताव बहुत जल्द आने वाला है और शादी के बाद इनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा अच्छी रहने वाली है। इनको बिल्कुल भी घबराहट करने की जरूरत नहीं है और शादी जल्दी हो उसके लिए हम आपको उपाय भी बता देते हैं, एक मंत्र भी बता देते हैं। सबसे पहले हर बृहस्पतिवार वाले दिन 2 बेसन के लड्डू आप किसी मंदिर में अवश्य रखना शुरू कर दीजिए, और इसके साथ साथ एक मंत्र है आप लिख लीजिए, वो है ओम गणेशाय नमः। हे गौरी शंकर अर्धांगी, यथा त्वं शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी, कांता कांताम सदुर्लभान। दुर्गा जी के चित्र के सामने जोत जलाकर इसको 108 बार रोज करें, आप देखेंगे कि 3 महीने के अंदर अंदर आपकी शादी का प्रस्ताव अच्छे आएंगे, हो सकता है शादी भी आपकी हो जाए, इसलिए इनको घबराने की जरूरत नहीं है, जो उपाय बताएं ये करें, इनको हर तरफ से बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा इनके लिए। रंजना जी खुशी का सवाल है कि क्या इनका प्रेम विवाह हो पाएगा, और जहां इनका विवाह होगा क्या इनको वहां पर खुशी होगी। तो यहां पर जो प्रश्न है वो प्रेम विवाह पर टिकता है, तो फैमिली शादी का प्रस्ताव लेकर आएगी या इनका जो विवाह का प्रस्ताव है वो माना जाएगा। देखिए इसमें बहुत दिख रहा है कि इनका प्रेम विवाह हो जाएगा, और इसके लिए हम इनको जो मंत्र दे रहे हैं वो भी अगर ये करेंगे तो इनको बहुत जल्दी इनकी बात इनके हिसाब से ही हो सकती है, और ये प्रेम विवाह में ये बहुत खुश भी रहेंगी, इसलिए इसलिए भी हम इनको बताना चाहते हैं कि जो हमने इनको उपाय बताए हैं ये जरूर करें, इनको हर तरफ से सपोर्ट मिलेगा और भगवान की ब्लेसिंग्स इनको काफी मिलेंगी। बिल्कुल, तो चलिए अब आगे नंबरों की ओर बढ़ लेते हैं। अगला नंबर है 4, रंजना जी 4 नंबर के जातकों के लिए कार्ड्स का बता रही हैं। 4 नंबर के जातकों के लिए देखते हैं कि काम के सिलसिले में आज का दिन इनका बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ही ज्यादा इनके अंदर ताजगी भी आएगी और कहीं ना कहीं नेतृत्व करने की भी इनको कोई ना कोई अच्छे मौके मिलेंगे, और वहां जाकर इनकी जो मिलेंगी अच्छे वरिष्ठ लोगों से मिलेंगे जो कि इनके काम के सिलसिले में इनको आगे चलकर बहुत ज्यादा प्रोत्साहन करेंगे। तो नंबर 4 वालों का दिन हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, अपनी जो स्थिति आज है जो इतनी अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसको जितना भी आप लाभ उठा सकते हैं आप जरूर उठाइए। आपका रंग है ब्लू और आपका जो अंक है वो है नंबर 8। आज किसी को भी भर पेट आप खाना खिलाएंगे जरूरतमंद को तो उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो चलिए इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ शशि जुड़ चुके हैं। शशि आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बताइए क्या आपकी समस्या है और क्या ज्योतिषीय समाधान आप चाहती हैं? मुझे ऐसा बहम है कि तांत्रिक क्रिया हो रही है और क्योंकि मेरे मैंने अभी देवी के लिए गोले रखे थे नारियल, वो मेरे अपने आप चटक गए 2 गोले 3 बल्कि, और मैं बहुत परेशान भी हूँ, मतलब आर्थिक धनहानि भी है और बच्चा ही बहुत परेशान है। कृपया आप मुझे बताएंगे किस कारण से हो रहा है। जी बता रहे हैं शशि, बस शशि जी आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपके मन में ऐसी कोई भी धारणा है तो आप ऐसा कीजिए कि एक पेठा जो होता है जो आगरे का जैसे पेठा होता है सूखा पेठा होता है उस पे पानी का तिलक लगा के मंगलवार और शनिवार किसी भी पेड़ के नीचे 2 और 6 बजे के बीच में रखना शुरू कर दीजिए, और इसके साथ साथ आप एक लोहे का कड़ा पहन लीजिए। इमीडिएटली आप अगर चाहें तो आप एक सेफ्टी पिन अपने ऊपर लगा सकती हैं, कोई भी इस तरह की बात होगी वो आपकी निकल जाएगी और आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरह की तांत्रिक क्रिया काम नहीं करेगी, और जितना भी हो ओम नमः शिवाय का मंत्र कीजिए, घबराइए बिल्कुल भी नहीं, आपके घर की जो स्थिति है वो किसी और तरीके से ये नारियल चटक सकते हैं या कोई भी आपके मन में वहम है वो आप बिल्कुल निकाल दीजिए,
भगवान की शरण में जाइए, आपको उनका पूरा आशीर्वाद मिलेगा, उनकी प्रोटेक्शन मिलेगी, आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। अपने आप को पॉजिटिव रखिए और पूरी हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। हिम्मत से और जितना भी पॉजिटिव सकारात्मक सोच से आप आगे बढ़ सकते हैं वो ज्यादा बेहतर है, नकारात्मक सोच से आप और भी ज्यादा डाउन फील करेंगे। तो आपको घबराना नहीं है शशि, और हमारी दुआएं हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। भगवान करे आपका बेहतर वक्त आए, और नारियल चटकने का कोई और भी कारण हो सकता है, इसमें ज्यादा नकारात्मक नहीं सोचना है। कुछ उपाय बताए हैं, आप ये उपाय करेंगे तो आप पॉजिटिव भी महसूस करेंगे। अगले नंबर की ओर बढ़ लेते जो है पांच, रंजना जी पांच नंबर वालों के जातकों के लिए आज कार्ड्स क्या बता रही हैं? पांच नंबर के जातकों के लिए दिन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। अपने मन को लेकर ये थोड़ा सा वैसे चिंतित जरूर हैं, मगर हम इनको ये बताना चाहते हैं कि इनको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इनके ऊपर भगवान का इतना अच्छा हाथ है, इनको फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर ये चिंता कर रहे हैं उसके लिए भी हम आपको बताना चाहते हैं कि बिल्कुल घबराए मत। ओम लक्ष्मी नमः का मंत्र 108 बार रोज करना शुरू कर दीजिए, फिर आप देखेंगे कि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है बहुत जल्दी आपकी ठीक हो जाएगी। और बिल्कुल भी मत घबराइए, आपके आने वाले दिन बहुत ही अच्छे रहेंगे, फाइनेंशियली भी आपकी सिचुएशन इंप्रूव होगी, मगर ये आप रोज जरूर करना शुरू कर दीजिए नियमित रूप से। और आपकी जितनी भी रंजना जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, बात कर लेते हैं नंबर छह की। रंजना जी नंबर छह के जातकों के लिए कार्ड्स क्या बता रहे हैं? नंबर छह के जातकों के लिए हम देखते हैं काफी दिनों से बहुत ही ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं, और हम ये देखते हैं कि अब इनका परिश्रम जो है, कड़ी जो मेहनत इन्होंने की है वो अब रंग लाने वाली है। इनको बहुत जल्द जो भी काम के लिए कार्य कर रहे थे उसमें इनको पूरी सफलता मिलने वाली है। और इसके साथ साथ ये भी हम देख रहे हैं जिन बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे उनको बहुत ही अच्छा रिश्ते भी मिलने वाले हैं विवाह के लिए, और ये जो भी रिश्ते होंगे उनके लिए कुंडली मिलान करके उसमें आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको हर तरफ से सहायता मिलने वाली है, रिश्ते बहुत ही ज्यादा अच्छे रहेंगे। इससे ये हम देखते हैं कि इनके अब जितने भी विघ्न आ रहे थे वो सब खत्म हो जाएंगे और इनका हर कार्य में इनको सफलता मिलती चली जाएगी। इनका रंग है ब्राउन एंड मजेंटा और इनका जो अंक है वो है नंबर सात। आज बाजरा और चीनी का दान चिड़ियों और चींटियों को अवश्य कीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो नंबर छह के जातकों को उपाय बताए हैं और आप मेहनत कर रहे हैं तो उपाय अपनाकर आपको मेहनत का फल भी जरूर मिलेगा। रंजना जी, इसी बीच हमारे साथ कॉलर स्वीटी जुड़ी हैं जिनका सवाल यह है कि उनका जन्म हुआ 26 दिसंबर 1993 को, तो इनका आगे का किस तरह से भविष्य होगा, क्या इनकी स्थिति नजर आ रही, क्या परिस्थिति नजर आ रही है, संघर्ष कितना रहेगा, और विवाह के बारे में भी बताएं। स्वीटी जी के लिए हम देखते हैं कार्ड जो आ रहे हैं वो हम देखते हैं, इन्होंने जीवन में बहुत ही ज्यादा कठिन परिश्रम किया है, मगर इनमें जो एक क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है कि हर चीज में बहुत ही ज्यादा प्लानिंग करके चलती हैं, बहुत समझदारी से हर कार्य करती हैं। तो हम देखते हैं कि स्वीटी जी के लिए आगे बहुत बेहतर रहेगा और इनका शादी का संबंध भी बहुत जल्द आने वाला है और इनको आगे चलकर विवाह में भी बहुत ही ज्यादा खुशियां मिलने वाली हैं। खाली इनको ये हम समझाना चाहते हैं कि आप रोज शिव चालीसा का पाठ करें और हो सके तो 16 सोमवार के व्रत अवश्य रख लें, इससे इनको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा हर तरफ से। और वैसे भी जो इनके इष्ट हैं वो शिवजी ही हैं, और जितनी ज्यादा ये शिव की उपासना करेंगे उतना ही ज्यादा इनके लिए बेहतर रहेगा। रंजना जी, ये बताइए कि विवाह का जो प्रस्ताव है वो कब तक आ जाएगा और किस प्रकार से आएगा? एक मिनट बता देते हैं। देखिए, विवाह का प्रस्ताव इनको इनके कोई घर वालों के थ्रू से ही आएगा और इनको बहुत ज्यादा उसमें अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा संपन्न परिवार से ये प्रपोजल आने वाला है। और ये प्रपोजल हम देखते हैं कि इनका 1.5-2 महीने के अंदर अंदर ही आ जाएगा, मगर ये जो हमने इनको उपाय बताए ये आप अवश्य करें। और शिव जी की अगर आपने सुबह से कुछ नहीं खाया तो जरूर आज से आप व्रत रखना शुरू कर सकते हैं। जी चलिए स्वीटी, शुभकामनाएं आपको हम भेज रहे हैं, आपका रिश्ता जल्द आए और मनचाहा आपको वर प्राप्त हो। अगले नंबर की ओर बढ़ लेते जो है सात, रंजना जी सात नंबर वालों के लिए कार्ड्स आज क्या बता रहे हैं? सात नंबर वालों के लिए हम इनको थोड़ी सी हिदायत देना चाहते हैं।
देखिए पैसे तो इनके पास बहुत है मगर आजकल थोड़ी सी फजूल खर्ची कर रहे हैं, जिसके लिए हम इनको सजेशन देना चाहते हैं, अलर्ट करना चाहते हैं कि थोड़ा सा बजटिंग करके चलिए। कई बार हम जल्दबाजी में कि सेल लगी है 50% डिस्काउंट में ऐसी चीजें ले लेते हैं जो कि हमें बाद में उनका लाभ नहीं भी होता है। इसलिए जरूरी है बजटिंग करके चलें, वही चीजें लें जो कि बहुत ही ज्यादा इनके लिए जरूरी है, नहीं तो फिर अननेसेसरी इनका बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। फैमिली का इनका पूरा सपोर्ट है इनको, और बच्चों से भी इनको बहुत ही ज्यादा खुशियां मिल भी रही हैं और आगे भी बहुत मिलेगी, मगर इनको आज प्लानिंग और बजटिंग करनी इनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी रही। इसलिए इनका जो रंग है वो है पिंक और इनका जो अंक है वो है नंबर 6। आज आप चावल का दान कीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो चलिए रंजना जी बढ़ लेते हैं नंबर 8 की ओर। नंबर 8 के जातकों के लिए कार्ड आज क्या बता रहे हैं, आज का दिन इनके लिए कैसा रहने वाला है, कितनी मेहनत कितना संघर्ष नजर आ रहा है? नंबर 8 वाले व्यक्ति जो है ये बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही ज्यादा समझदार होते हैं, और जितनी भी इनके जीवन में समस्याएं आती हैं अपनी समझदारी सूझबूझ से ये इनको हमेशा उनका हल बहुत ही अच्छे से ढूंढ लेते हैं। और इसीलिए हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आजकल भी जो इनकी समस्याएं चल रही हैं अपनी समझदारी से उसी तरह आप सूझबूझ से आप इसको ठीक कर दीजिए, और हम ये देखते हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। आपका संघर्ष जो इतने दिन से चल रहा है वो भी खत्म होने वाला है। जरूरी ये है कि आप रोज एक माला मृत्युंजय जाप की जरूर कर लीजिए। शिव जी आपके इष्ट हैं, जितना उनकी आप पूजा करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। ओम त्र्यंबकम यजा महेश सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारु में वंदना मृत्यु मोक्षीय मामृतात। आप देखेंगे आपके सारी जितनी समस्याएं बहुत ही जल्दी चुटकियों में ही ठीक हो जाएंगी। आपका जो रंग है वो है हरा और आपका जो अंक है वो है नंबर 5। जितना भी आप पौधों का ध्यान रखेंगे, रोज उनको पानी देकर आएंगे, उससे आपके जीवन में भी हरियाली हमेशा के लिए छा जाएगी। रंजना जी 8 नंबर वालों के लिए एक और प्रश्न है कि इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन किस तरह से नजर आ रही है, आर्थिक स्थिति क्या बेहतर हो पाएगी या फिर नहीं, कार्यस्थल में किस प्रकार का वातावरण रहेगा? देखिए ये सिंपल है, बहुत मेहनती भी हैं और इनकी कार्य क्षेत्र में जो इनकी स्थिति है वो आगे बढ़ती ही चली जाएगी, इनको घबराने की जरूरत नहीं है। और फाइनेंशियल पोजीशन में भी बहुत ही जल्दी इनको जो भी सिचुएशन है ठीक होने वाली है। आपको जो बताए हैं मृत्युंजय जाप करने से वो बहुत अच्छा रहेगा, और जैसे बताते हैं कि लक्ष्मी मंत्र आप करें या लक्ष्मी सुक्तम का पाठ रोज करेंगे उससे भी आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है। इससे घबराएं मत, जो छोटे छोटे उपाय बताए हैं आप कीजिए और आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। चलिए आखिरी नंबर की ओर बढ़ लेते हैं जो है नो रंजना जी 9 नंबर के जातकों के लिए कार्ड्स क्या बता रहे हैं। 9 नंबर के जातकों के लिए बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं और हम ये देखते हैं कि इनको भगवान से भी पूरा पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, और इनके घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी इनको बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद मिल रहा है और इनको हर तरफ से फायदा ही फायदा है आज भी और आने वाले दिनों में भी। इनको अपने घर परिवार में भी प्यार और इज्जत मिलेगी और इनके बिजनेस में भी इनको बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगी। इसको बहुत ही ज्यादा और भी अपने फेवर में करने के लिए बहुत जरूरी है कि रोज घर से निकलने से पहले पहले अपने मंदिर में हाथ जोड़ के निकलें, फिर अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके निकलें और एक छोटी इलायची खा के घर से निकलेंगे तो इनके सारे काम जो है वो बनते ही चले जाएंगे। छोटा सा उपाय है, अवश्य कीजिए। आपका जो रंग है वो है पीला और आपका जो अंक है वो है नंबर 3। चलिए रंजना जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों को बताने के लिए कि आज का उनका दिन कैसा बीतने वाला है। फिलहाल के लिए किस्मत कनेक्शन में इतना ही, बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।